हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनाली मेहरा है एंड वेलकम टू IBTS इंडिया। आज की हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पस HPPSC द्वारा रिलीज किए जाने वाले अलाइड सर्विसेज के एग्जाम के पैटर्न, उसके सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न को अच्छे से डील करेंगे, जिसमें एग्जाम पैटर्न के साथ किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सिलेबस किस तरह का रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट किस तरह से हमें उनके साथ डील करना है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बिगनिंग में हम देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन को कितनी स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। तो जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन है ये इन ऑल थ्री स्टेजेस में कंडक्ट कराई जाती है। अब जो हमारे थ्री स्टेजेस हैं वो कौन से हैं? सबसे फर्स्ट जो हमारे पास स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसको हम प्रिलिम्स के नाम से भी जानते हैं। जो प्रिलिमिनरी स्टेज है ये एक स्क्रीनिंग स्टेज है। स्क्रीनिंग स्टेज से हमारा क्या मतलब है, इस स्टेज में बेसिकली सबसे पहले लेवल पर जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, वो सब बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं। इस एग्जामिनेशन में बैठने के बाद इस एग्जामिनेशन में सिर्फ कुछ कट ऑफ लिमिट में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को आगे मेन्स में अलाउ किया जाता है, वो ही एलिजिबल रहते हैं। यानी कि ये एक तरह की छंटनी परीक्षा है। इस परीक्षा को हम आगे बहुत अच्छे से डील करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या मार्किंग रहती है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें बस ये समझना है कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है ये हमारा ऑब्जेक्टिव तरह का एग्जामिनेशन है। ऑब्जेक्टिव तरह का एग्जामिनेशन मतलब क्या है, आपको एक सवाल आएगा जिसके साथ में आपको चार ऑप्शन रहेंगे, आपको चार में से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है। आपको इसके लिए OMR शीट दिया जाता है और OMR शीट में आपको सर्कल्स को फिल करना रहता है। तो ये हमारी है प्रीलिम स्टेज। अब ये कितने मार्क्स का है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सेकंड जो हमारी इसमें स्टेज आती है वो आती है हमारे पास मेन स्टेज। जो मेन स्टेज है यही हमारा जो है वो मेन एग्जामिनेशन में हमारा सिलेक्शन जो है वो डिफाइन करता है। अभी किस तरह से डिफाइन करता है, जो मेंस की परीक्षा है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये हमारे पास एक तरह का सब्जेक्टिव एग्जाम है। सब्जेक्टिव एग्जाम से हमारा ये मतलब है कि इस स्टेज पे जितना भी नॉलेज बेस आपने अपना क्रिएट किया है, आपको उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिलीवर करना है अपने आंसर शीट में, बट विद इन दैट टाइम लिमिट। अब मेंस के एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स का जहां एग्जामिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव तरह का है और सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स के मार्क्स आगे काउंट नहीं होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। प्रीलिम्स में एक कट ऑफ डिफाइन की जाती है, उस कट ऑफ में आने वाले स्टूडेंट्स ही मेंस के लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद मेंस की परीक्षा आती है। मेंस के जो आप मार्क्स लेते हैं वही मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन डिफाइन करते हैं। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस रहते हैं सिलेक्शन। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी स्टेज आती है वो है हमारे पास इंटरव्यू स्टेज, या जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जो इंटरव्यू स्टेज हमारे पास ये स्टेज रहती है, इस स्टेज में HPPSC एक बोर्ड आपको देती है, वो बोर्ड के सामने जाकर के आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इस स्टेज में बेसिकली आपके साथ क्या किया जाता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो क्वालिफाइड बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं मेन स्टेज क्लियर करके, उन बच्चों के साथ उनका फेस टू फेस इंटेलेक्ट चेक किया जाएगा। इस स्टेज में आपके हो सकता है आपसे आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ चीजें, आपकी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें, ये सब चीजें इसमें आपकी पूछी जाएंगी। इसमें खास बात ध्यान रखने का क्या है, इसमें खास बात ये है कि इंटरव्यू स्टेज में आपको अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि बेसिकली एग्जामिन जो आपके इंटरव्यू रहेंगे वो मोस्टली आपका जो एग्जामिन जो भी आपने आज तक एग्जाम दिए हैं या आपके इंटरेस्ट हैं, ये सब चीजें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीजों पे सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा कोई हो सकता है स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे आपके व्यूज जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि फेस टू फेस
सामने जब आप बैठते हैं तो आपके एग्जैक्ट आपके किसी भी चीज को लेकर के क्या व्यूज हैं उसको यहाँ पे चेक करने की कोशिश की जाती है। फाइनली जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टेज होता है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का एक लिस्ट निकाला जाता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ये तो क्या हमारे पास बेसिक नंबर ऑफ स्टेजेस। देखिए कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ना होनी चाहिए, जैसे कि अलाइड सर्विसेज का एग्जाम जो एचपीपीएससी रिलीज करती है उसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि तीन स्टेजेस में कन्वर्ट होता है जो हमने यहाँ पर देखा, जिसमें प्रिलिमिनरी स्टेज, पहली स्टेज, मेन स्टेज, दूसरी स्टेज और इंटरव्यू स्टेज आपकी तीसरी स्टेज में। आई होप यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया भी मिल गया है कि प्रीलिम और मेंस और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं, किस किस तरह से आप उसको अप्रोच करना है, वो अब आपके दिमाग में धीरे धीरे फ्रेम पूरा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम कि बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो क्या है। पर प्रीलिम्स का सिलेबस देखने से पहले जो कि पहली स्टेज है हम पहले मेंस का सिलेबस देखेंगे। अब हम मेंस का सिलेबस पहले क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन आपको मेंस का सिलेबस देखने के बाद फिर प्रीलिम्स का जो हम सिलेबस देखेंगे आपको समझ में आ जाए। तो पहले देखते हैं मेंस का जो परीक्षा है यानी कि जो आपकी सेकेंड स्टेज है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हमारे रहते हैं, क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम सिलेबस की बात करते हैं अपने मेंस के एग्जाम में, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये एग्जाम जो है ये आपकी तीन इसमें पेपर आपके कंडक्ट होते हैं विच इज इंग्लिश, हिंदी एंड योर जनरल नॉलेज। इंग्लिश का जो पेपर है ये आपका है पेपर नंबर वन और हिंदी का है पेपर नंबर टू। ये दोनों लैंग्वेज के पेपर हैं। ये दोनों पेपर एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। आप देखिए यहाँ आपको इसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको 150 मार्क्स का ये पेपर आएगा, 3 घंटा आपको टाइमिंग रहेगा। हिंदी का पेपर भी इसी तरह से 150 मार्क्स का रहता है और टाइमिंग आपके पास 3 घंटे का रहता है। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ इसका सिलेबस डिस्कस करूँ मैं आपको ये चीज बता दूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी भी इसमें डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कई बार इंग्लिश के पेपर में 20 क्वेश्चन आ जाएं तो आपको विद इन 3 आवर्स 20 करने पड़ेंगे, हो सकता है कई बार 15 या 18 क्वेश्चन आए। तो डिपेंड करता है जितना भी क्वेश्चन आता है आपको अपने टाइम मैनेजमेंट मेंस में आंसर राइटिंग में अच्छे से वो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं इंग्लिश के पेपर में, तो आप देखेंगे इंग्लिश के पेपर में बेसिकली आपके पास अगर ये पूरा आप समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको एक कंक्लूजन में बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या रहता है। इसमें देखिए आपके पास आता है सबसे पहले जैसे इसमें आपको मिला है समरी या प्रेसी, प्रेसी राइटिंग एक आपको आएगा ठीक है, जिसमें एक पैसेज दे रखा होगा उस पैसेज को आपको कंसाइज करके लिखना है ठीक है। दूसरा आपके पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एसे। एसे का जो पेपर है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है, एसे का जो आपके पास यहाँ पे आएगा लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो ठीक है। आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लैंग्वेज के पेपर हैं तो आपको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को मेंटेन यहाँ पे करना है। आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स, आपके व्यूज, अपने जो आपके थॉट प्रोसेस है उसको बेसिकली एग्जाम में आप जब ऐसे लिखेंगे उसको आपको वहाँ पे लिखना है, डिलीवर करना है इन अ वेरी प्रोफिशिएंट एंड प्रोफेशनल मैनर ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें आपके पास एक आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है इंग्लिश के पेपर में, कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया रहेगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन के आपको आंसर पैसेज में से देखने हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ऐसे का क्वेश्चन आता है, एक आपके पास प्रेसी का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कई बार पेपर में रिपोर्ट देखने को मिल जाती है, रिपोर्ट लिखने को आती है या फिर लेटर्स लिखने को आ जाते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पेपर का जो मार्क्स फेचिंग है वो है आपके पास ग्रामर का क्वेश्चन। देखिए ग्रामर के पोर्शन में आपके पास क्या क्या आ सकता है, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना, ये सब चीजें आपकी ग्रामर में आती हैं। तो अगर आप अपना ग्रामर पोर्शन अच्छे से अगर आप ब्रशअप कर लेते हो अपने बेसिक्स, तो ये वाला एरिया आपके पास मार्क्स को लेकर रहता है। जो ग्रामर का पोर्शन आपके पास आता है जैसे आपके पास प्रेपोजिशंस आएंगे या नाउन का कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में वो आता है, ये सारे आपके पास जो है ये आपको वन लाइन में दिया जाता है, उसी में आपको इधर फिलअप में उसको करना है या फिर उसको करेक्ट करके लिखना है। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है इस पेपर में वो है आपके पास करेक्शन, यानी कि आपको क्या रहता है पेपर में कुछ मान लीजिए 5 स्टेटमेंट्स या 10 स्टेटमेंट्स होंगे उनको इनकरेक्ट होंगी आपको करेक्ट करके उनको जो है वो लिखना है। तो ये सब चीज मिला करके आपका इंग्लिश का 150 मार्क्स का पेपर रहता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे जो है वो इतने ही मार्क्स आएगा या ग्रामर इतने ही मार्क्स आएगा, ये वेरी करता रहता है।
उसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वेरी करते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी का पेपर। हिंदी का जो पेपर है इसमें देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको क्लियरली मेंशन है ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी। आपको एक अंग्रेजी में एक पैसेज दिया रहेगा जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये सुनने में तो आपको बहुत इजी लगेगा कि इंग्लिश को ट्रांसलेट हम ओवरऑल कर देंगे हिंदी में या लैंड में। आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप इंग्लिश का मैसेज पढ़े उसका ओवरऑल जो आपको समझ में आता है वो आपको हिंदी में लिखना है पहली बार। दूसरा, हिंदी में जब आप उसको लिखेंगे तो आपको हिंदी भाषा की जो एक जो प्रोफिशिएंसी है, जो उसके वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हम हिंदी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है तो उसको आपको मेंटेन करना है। हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हमें कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं उस तरह की हिंदी में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको हर एक चीज जो आपको इंग्लिश पैसेज में ये ओवरऑल समझ के उसको हिंदी में प्रोफिशिएंट मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको आपको लिखना है। यही यहाँ पे एक मेन एरिया है जो आपको समझने का है, उसको लाइटली लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना अच्छे से आप उसको अपने वर्ड्स को डाइवर्सिफाई करके लिखेंगे, जितने अच्छे टेक्निकल वर्ड्स लिखेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आपके पास देखिए आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री। यानी कि यहाँ पे हमने सबने अपने स्कूल टाइम में हमने अपने गद्यांश और पद्यांश पे जो है वो हमने हिंदी लैंग्वेज में पढ़े हैं। यानी कि आपको क्या दिया जाएगा, किसी भी पोएट का कोई पोएट्री का कोई पैसेज आएगा जिसको आपको उसको हिंदी में सॉल्व करके आराम से उसका जो हिंदी वर्णन है वो आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है कॉम्पोजिशन। इसमें आपको ऐसे कंपोज करना पड़ता है, आइडियम्स है, करेक्शन है। करेक्शन मैंने आपको बताया इंग्लिश के पेपर में भी आती है, कुछ अशुद्ध आपको कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी, उनको आपको उसमें करेक्ट करके लिखना है। हो सकता है किसी स्टेटमेंट में सारी की सारी चीजें करेक्ट भी हो तो उसको आपको ऐसे अच्छी लगना है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के पेपर में ऑलमोस्ट सेम तरह का मैटर रहता है, लेकिन इन पेपर्स को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। इन पेपर्स में से ही आपके मार्क्स जो हैं यही आपको जीएस में ऐड होकर के आपको अच्छा स्कोर या आपका अच्छा रैंक जो है वो डिफाइन करते हैं। थर्ड पेपर की तरफ चल रहे हैं जो है हमारा जनरल नॉलेज का पेपर। आप देखिए ये वाला जो आपका पेपर है ये है आपके पास 200 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। ऊपर वाले दोनों पेपर 150 मार्क्स के थे, ये 200 मार्क्स का है। इस पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, इस पेपर में आपके पास हिमाचल आएगा। हिमाचल में क्या क्या आएगा देखिए, हिमाचल में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपको जनरल स्टडीज जब जनरल नॉलेज का जब आपको पढ़ना है तो हिमाचल का आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी ये वाले एस्पेक्ट्स आपको अच्छे से अपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपके पास करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसका मतलब है आपको अपने करंट अफेयर्स को जो है वो अप टू डेट रखना है। इसके अलावा आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री 1857 onwards, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि इंडिया की हिस्ट्री 1857 onwards, जो सिपाही हिस्ट्री है उसके बाद से कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यही सब चीजें आपको हिमाचल में भी प्रिपेयर करना है। आगे है हमारे पास लास्ट पार्ट जीएस का, वो है हमारे पास टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हमेशा इस सेक्शन में से क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका फिलोसफिकल एस्पेक्ट में आ सकता है महात्मा गांधी जी का, या फिर हो सकता है उनके कोई जो जिन जिन पाथ पे या फिर जिनकी टीचिंग से किसी टीचिंग को एक्सप्लेन करने का आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप ओवरऑल एक बार अच्छे से इन सब चीजों को एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको किसी भी चीज को डिफाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए हमारा जो मेंस का एग्जाम है उसमें 3 पेपर हमने देख लिए, इंग्लिश का, हिंदी का और जनरल नॉलेज का। इंग्लिश और हिंदी आपके दो लैंग्वेज के पेपर हैं जो एक दिन में कंडक्ट किए जाते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में, जो कि आपके 3-3 घंटे के रहते हैं और 150 मार्क्स ईच रहते हैं। इसके अलावा सेकेंड डे आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होगा। ये मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है जो कि 200 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स हमने देखा हिमाचल का एक पोर्शन है, करंट अफेयर्स का एक पोर्शन है और एक आपके पास टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है। इसके अलावा आपके पास जो है मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्टिव तरह के रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पास आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या है। अब मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ बाद में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो प्रीलिम्स अगर हम सिलेबस देखते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में देखिए क्या है। प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके पास सबसे पहले तो 3 आवर्स का पेपर है और 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास पेपर में 1/4 नेगेटिव होता है, यानी कि हर एक नेगेटिव जैसे आप एक गलत करेंगे आपको अपने सही में से 0.25 डिडक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे पहले कि हम सिलेबस को देखें तो आपको ये समझना है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती ही है। अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। आप देखिए सिलेबस में क्या है, सबसे पहला पार्ट है हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज एंड नॉलेज 60 मार्क्स, जिसमें आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आते हैं। यही चीज हमने मेंस में भी देखा था, बस फर्क क्या है कि प्रीलिम्स में वो ऑब्जेक्टिव तरीके से आएगा और दूसरा आपके पास मार्क्स उसमें पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया है क्या है 60 मार्क्स, ठीक है, सेम है जो मेंस का मिलेगा। इसके अलावा 60 मार्क्स के करंट अफेयर आएगी जो हमने पहले भी देखा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ये 60 मार्क्स का, यही हमने मेंस में देखा। इसके अलावा आपके पास जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, सोशल स्टडीज के 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आपके पास स्टडी से पूछा जाएगा, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड्स, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड जेंडर इशू एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, जो हमने पहले सारा जो है वो मेंस में हम देख चुके हैं, ठीक है। फर्क बस ये है कि प्रीलिम्स में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हर चीज मेंशन है 60 60 80, यही चीज आपकी ओवरऑल 200 मार्क्स में आपको मेंस में पूछी जाएगी। यानी कि आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, आपको मेंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है सिलेबस को और उसी को रिवाइज करते रहना है और उसी की फैक्ट वाली चीज है, मोस्टली एलाइड सब्जेक्ट्स में फैक्चुअल चीजों पर फोकस किया जा रहा है तो आपको मोस्टली उनको रिवाइज करते रहना है, तो आपका प्रीलिम्स आपको अलग से प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स जैसे मैंने बताया 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 200 मार्क्स का जो है ये पेपर आपके पास आने वाला है और इस पेपर में आपके पास जो है वो 1/4 नेगेटिव रहेगा, इस चीज का खास ध्यान आपको रखना है। आई होप यहाँ तक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस, दोनों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल दोनों में पेपर में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का पर्पज क्या है वो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब हम आगे हमारे पास क्या है कि जब हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ सेल्फ स्टडी के हमें कुछ चीजें, जैसे कि हमें क्या क्या पता है, जैसे सबसे पहले अगर हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी एग्जाम को करने के लिए सबसे पहले तो उसका सिलेबस गो थ्रू करना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस आपको गो थ्रू करना है सबसे पहली चीज़। दूसरा जो कि हम अभी डिस्कस किया है, दूसरा क्रिएट अ स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड एग्जामिनेशन, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग हो, कुछ आपके अभी यूनिवर्सिटी में ही है या फिर कुछ लोग अभी नेक्स्ट ईयर प्लान करने वाले हैं, तो इस तरह से अलग अलग अगर आपकी कुछ भी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको अपना स्टडी प्लान अपने हिसाब से आपको अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है जो चीज आप अच्छे से जिस तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखिए राइट स्टडी मटेरियल रिसोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा रिसोर्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंसाइज रखना है और आपको अपने स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल बुक्स पे आपको नहीं जाना है। इसके अलावा क्या है आपके पास, आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को गो थ्रू करते हैं या फिर अगर आप उस तरह उस एग्जाम के पर्टिकुलर मॉक टेस्ट करते हैं, आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाती है कि हमें इस तरह के सवाल इस सेक्शन में से पूछे जाएंगे, तो आप उसी तरह से फिर आपका ब्रेन काम करता है, आप उसी तरह से फिर आगे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए हर एग्जाम में क्या है, आपको स्ट्रेस से डील करना पड़ता है, कोई दिन आप हो सकता है 5 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आप 1 ही घंटा पढ़ रहा है, हो सकता है अगले दिन आप पढ़ भी ना पाए, तो उस वजह से आपका क्या हो रहा है, होता जाएगा आपके टॉपिक्स आपके पाइल अप होते जाएंगे, हो सकता है सिलेबस का बर्डन फील होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम आपको फील होने लग जाए, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपको एक हेल्दी मैनर में आपको डील करना है, ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करते करते अकेले ही हैं तो स्ट्रेस में चले गए हैं या फिर जिसको टफ लगता है ओवर करना, ठीक है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, तो हमें हर एक चीज से डील करना पड़ता है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ। दूसरा क्या है, वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड रेगुलर रिवाइज आपको करना है, जो मैंने आपको बताया, बस एक बार मेंस आपको अच्छे से रेडी करना है सिलेबस और रेगुलरली उसको रिवाइज करना है एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड।
ठीक है, टफ टाइम तो आते ही हैं, आपको क्या करना है, अपने आपको अपने गोल से अपने गोल पे बस फोकस करके रखना है और फोकस करके ही आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए हर रोज मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल जो है हमारे पास वो क्या है। चलिए इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि आपके पास IBTS इंडिया जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है सेक्टर 34 में, IBTS में आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखिए सबसे पहला तो जो हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है आपके स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे आपको IBTS में ऑनलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो स्टूडेंट्स हमारे फिजिकल क्लास यहाँ लगाते हैं वही स्टूडेंट्स, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए वो किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाए, क्लासेस फिजिकल अटेंड नहीं कर पाते हैं और मान लीजिए कि वो आपकी जो है वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि वो घर बैठे बैठे ही अपना क्या करेंगे कि उन्हीं फैकल्टी के साथ, उन्हीं फिजिकल जो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं उनके साथ बैठे बैठे जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की सर्विस, हिमाचल प्रदेश जो एग्जामिनेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे आपकी HS है, अलाइड सर्विसेज है, उसके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं और टीचर्स जो हैं हमारे पास वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं जिन्हें इस एग्ज़ाम में आने वाले इस एग्ज़ाम के पैटर्न, उसके सिलेबस, उसके हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से डेप्थ में नॉलेज है। ठीक है, आप कुछ अपनी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो है हमें रैंक प्रोवाइड कराया है और ये आप उनके फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हमारे टारगेटेड बैचेस रहते हैं हमारे पास, हमने स्पेसिफिकली बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ पे फोकस किया है कि हम सिर्फ 2020 जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही एक बैच बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टू वे कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रहे और बहुत सारा जो है वो रश ना हो जाए क्लास में, ताकि स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन ना हो सके। नेक्स्ट जो है वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारे चलती हैं, वही फैकल्टी, वही स्टडी मटेरियल, वही आपका सारा लेक्चर रहेगा जो एक बच्चा यहाँ चंडीगढ़ में बैठ करके फिजिकल क्लासेस लगाता है और एक बच्चा जो घर पर बैठ करके लगाता है, तो कोई ऐसा हमने सेग्रीगेशन नहीं किया है। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं IBTS में की ऐप है जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगी, जिसमें जैसे ही आप एनरोल होते हैं आपका एक स्टूडेंट कॉर्नर बन जाता है जिसमें आपके जो भी लेक्चर्स हैं, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप आज वीडियो नहीं देख पाए, आज का क्लास नहीं देख पाए, तो आप वो लेक्चर आपका आपकी वीडियोज में स्टोर हो जाएगा जिसको आप बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, हॉस्टल एंड PG फैसिलिटी है, डेमो क्लासेस आपको जैसे ही आप अप्रोच करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट को आपको दिया जाएगा। एंड हमारे पास जो है HP एग्जामिनेशन को लेकर के स्पेसिफिकली अलग से, जैसे कि मैंने बताया, फैकल्टी अवेलेबल है और इंस्टीट्यूट हमारा जो है डेडिकेटेड है आपका हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी एक्चुअल जो क्लासेस जैसे कंडक्ट होती हैं, ये हमारे एक्चुअल क्लासेस जैसे कंडक्ट हो रही हैं और इसी के साथ साथ जो है साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि बाय IBTS फॉर HP लाइट सर्विसेज। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही सब चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार एक कंसाइज मैनर में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है हमारे पास, देखिए 6 to 3 months एंड 45 डेज रिविजन एंड क्रैश कोर्सेज हमारे पास चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार मतलब एनरोलमेंट कर लिया है तो उसके बाद क्लासेस का कुछ इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एनरोल करने के बाद आपको अच्छे क्लासेस और विद गुड ड्यूरेशन जिसमें आप वेल प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लास टाइमिंग्स आपकी 3 to 5 hours डेली सेशन रहते हैं, हम नहीं चाहते बहुत हेक्टिक सेशन रखें ताकि आप स्टूडेंट्स घर जा करके रिवाइज नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं हमारे पास, आपकी टेस्ट स्पीड इम्प्रूव करने के लिए हम खास ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया डेडिकेटेड फैकल्टी तो है ही है हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर ईच सब्जेक्ट फुल सिलेबस कवरेज, बुकलेट सीरीज, बुकलेट सेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं टिल योर सिलेक्शन।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक बार आप निकल गए हैं तो उसके बाद आपको कोई डाउट आता है पूछ नहीं सकते, आप आके कितने मर्जी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीकेंड और आपके वीकडेज बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। ये हमने स्टूडेंट्स की नीड को देख करके जो है इसको बनाया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 20 स्टूडेंट्स के बैचेज यहाँ पे रहते हैं हमारे पास, और इसीलिए है ताकि हर एक बच्चे पर अच्छे से अटेंशन दिया जा सके और टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा हम अपनी ऐप पे आपको डेली अपडेट करते रहते हैं, ईमेल्स के थ्रू अपडेट करते रहते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई भी न्यूज़, कोई भी किसी भी तरह का कोई करंट इवेंट हुआ है वो डेली अपडेट वहाँ पे होता रहता है। कोई नया कोर्स अगर निकल रहा है, कोई टेस्ट सीरीज आ रहा है, उसके बारे में आपको डेली अपडेशन मिलता रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके जो यहाँ पे आपके पास कुछ मोटिवेशनल सेशंस, आपके पास कैरियर काउंसलिंग सेशंस और आपके पास एक्सपर्ट सेशंस भी यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है, फ्री कोचिंग एंड डिस्काउंट, यानी कि हमारे पास जो आपके जो स्टूडेंट्स आपके BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, वो बच्चे आपके फ्री कोचिंग और ले सकते हैं। इसके अलावा SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। हमारी यही कोशिश है कि हम हर एक उस बच्चे के लिए जो डेडिकेटेडली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है उसको हर एक तरीके से जो है ये सर्विस प्रोवाइड करा सकें। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे, मैंने आपको बताया, ये कुछ हमारे लाइव क्लासेस के इमेजेस हैं। इस तरह से हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। ये 20-20 स्टूडेंट्स का एक बैच है, छोटे बैचेस रखे जाते हैं ताकि हर एक बच्चे से इंटरेक्ट प्रॉपरली किया जा सके। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा जो है ऑनलाइन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सर्विस। ऑनलाइन में आपके पास क्या है, आपके पास आपका एक ऐप है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जैसे आप एनरोल होते हैं आपका स्टूडेंट कॉर्नर बन जाता है। आपकी स्क्रीन पे आपको ये नंबर भी दिखाई देगा और हमारी वेबसाइट का आपको जो है वो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ही आप हमारा, मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग जो है वो अगर आप उसके लिए अप्रोच करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन क्लासेस जब आपको मिलेंगे तो उसमें आपको फुल सिलेबस जो है वो कवरेज कराया जाएगा, एंड दैट टू विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए रिकॉर्डेड क्लासेज, जैसे मैंने बताया कि किसी रीजन की वजह से अगर आप क्लास नहीं लगा पाते हैं तो आप उस क्लास को बाद में रिकॉर्ड करके ऑफलाइन देख सकते हैं। ये देखिए ऑफलाइन डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो है वो मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी टॉपिक्स कराए जाते हैं, एज पर सिलेबस हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको हर एक चीज़ और एक एक चीज़ कवर यहाँ पर कराते हैं। आपके पास फिक्स टाइम है यहाँ पे, यानी कि वीकली टाइम टेबल आपको मिल जाता है। उस अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा वीक पहले ही प्लान कर सकते हैं क्योंकि एक वीक का प्लान आपको पहले दे दिया जाता है। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है ऑनलाइन, जिसमें आप अपना ऑल इंडिया रैंकिंग और अपनी कितने कम्पिटिटिव आप हैं वो आप चेक कर सकते हैं। कितना आपने गेन किया है नॉलेज, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके क्लास टेस्ट जो है वो आपके वीकली और मंथली बेसिस पे कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लास नोट्स आपको और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी आपको डिजिटली प्रोवाइड कराया जाता है। ऑफलाइन बुक्स आपको जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये हो सकता है कि आपको कुरियर के थ्रू एज पर योर नीड्स या पोस्ट के थ्रू भी आपको दिया जाएगा, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ये आ जाएगा। इसके अलावा आपकी डिजिटल मैगजीन्स आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं वीकली, मंथली, इस तरह से कंपाइलेशन उसमें रहते हैं। डाउट सेशंस आपको हर हफ्ते मिलते हैं, ग्रुप चैट्स रहती हैं, टीचर्स के साथ आप कोई भी डाउट अपना डिस्कस कर सकते हैं, और आपको एक पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस चार्ट आपको मिलेगा जिसमें आप अपना वीकली मंथली प्रोग्रेस किस तरह से आप कर रहे हैं वो आप अपना देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो हमारे ऑनलाइन एनरोल होने पर आपको मिलती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया हमारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसमें देखिए ये सब चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपके पास जैसे आप ऑनलाइन हमारा एनरोल होंगे तो वैसे ही आपको HAS की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, HPPSC की, अलाइड सर्विसेज की वीकली GK मॉक टेस्ट, पुलिस के मॉक टेस्ट, SSC, बैंक, ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराई जाती हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है हमारी वो स्टार्ट भी हो चुकी है। जैसे आप एनरोल होते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप क्या कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आपको IBTS आपको अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के जो है हमें जो है वहाँ पे जो भी हमारा IBTS के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो
जो था स्पेसिफिकली, जिस मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम को परस्यू करने के बारे में अभी सोच रहे हैं. क्योंकि जब भी हम एग्जाम परस्यू करने के लिए सोचते हैं, हमारे पास परस्यू करने का एक थॉट होता है और उसको कैसे करना है, कैसे लोग क्रैक करते हैं, उसको लेकर के हजार में हजार चीजें पाइलअप पहले ही हो जाती हैं, जिस वजह से हम एग्जाम अप्रोच या तो गलत चूज करते हैं या फिर बहुत डिले कर देते हैं, जिस वजह से कई बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने में भी हमें टाइम लग जाता है. तो हमारा इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस उन्हीं बच्चों को टारगेट करने का है जो इस एग्जाम को पहली बार परस्यू कर रहे हैं, ताकि उनको हम इन डेप्थ जो है आपका सिलेबस बता सकें, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, वो सब बता सकें. इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पहले दे चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये यूजफुल है. क्योंकि जब आप एक बार थरोली, कई बार क्या होता है, हमें सिलेबस तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें क्या क्या चीजें ध्यान और फोकस देने वाली हम नहीं देखते हैं. तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो HPPSC जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है लाइट सर्विसेज का, वो देना चाहते हैं. आई होप आपको इस एक वीडियो में किस तरह का एग्जाम है, किस तरह के स्टेजेस हैं, किस तरह का पैटर्न आता है, क्या सब्जेक्ट है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने आवर्स में कंप्लीट करना है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, किस किस तरह से आप एग्जामिनेशन को अगर आप देना चाहते हैं तो IBTS किस तरह से आपको इसमें सपोर्ट करती है, वो सब आपको आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर भी कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आपके स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको दिए गए थे आप उनके थ्रू जो है हमें कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. वी आर हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.